तो चलो। अरे नहीं, मिस हो गया। लो मैं ट्राई करता हूँ। मेरा भी मिस हो गया। निशाना लगाना होगा। इसे इस पे मारना इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो ये क्या है? देखो ये क्या कर रहा है। ये तो इस आर्टवर्क पर पिक्चर बना रहा है। ओह ये ठीक नहीं हुआ। ओ नहीं, टीचर आ गई। यहाँ क्या चल रहा है? इस पीस ऑफ आर्ट को क्या हुआ? बहुत हुआ। आर्ट पावर्स, चलो। वो अरे वाह, जरा हमें देखो। रुको, लिपस्टिक। उप्स, माफ करना, मैं ठीक कर देती हूँ। लो, काफी बेहतर। जी हाँ, अब हम एक ड्राइंग चैलेंज शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इस व्हील को घुमाऊंगी और ये बताएगा तुम क्या करोगे। ये देखो, हाँ कितना प्यारा है, एक हार्ट। चलो प्यार को ड्रॉ करो। ये मुझे प्यार वाली बातें और हार्ट्स बनाने बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले मैं लव लिखूंगी। वाह कितना बढ़िया दिन था और वो उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाँ अब इस पिक्चर को थोड़ा मजेदार बनाया जाए। पहले मैं एक छोटा सा दिल बनाऊंगी और ओ से एक लड़की बनाऊंगी, बी से एक और दिल और ई जिसे वो पसंद करती है। कितना प्यारा है। और इसमें कलर करना बाकी है। ये हार्ट पिंक होना चाहिए। बढ़िया। और ये वाला भी इससे मैच करना चाहिए। हाँ अब थोड़े और कलर्स, एक पर्पल ड्रेस। वाह ये पक्का कुछ खास बनने वाला है। चलो कलर्स को बदले। बालों का कलर येलो इनका मैच कर रहा है। और शायद उसने ब्लू हैट पहन रखी है। के शर्ट हम ग्रीन कर देंगे। नहीं मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। और इन कलर्ड पेंसिल से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। टाडा! तो स्टूडेंट्स अपना आर्टवर्क दिखाओ प्लीज। ओहो क्या, ओ नहीं। एव, इस गम को अंदर ही रखो प्लीज। तुम क्या कर रहे हो? जरा इंतजार करो, ये मेरा आर्टवर्क है, प्रॉमिस। बस एक और मोमेंट, बस लगभग हो ही गया। हो गया, लो ये रहा मेरा आर्टवर्क, प्यार से भरा। वो तुमने ये कैसे किया? शानदार। अरे वाह काफी अच्छा काम था, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं आगे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह तो व्हील घुमाओ। ये देखो ये फ्लेमिंगो पे रुका। ये इतना डायनामिक नहीं है। अब तुम क्या करोगे? फ्लेमिंगो, मैंने वो असल जिंदगी में कभी देखे भी नहीं है। ये कैसा मजाक है, मुझे इस चैलेंज से कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये पिंक होते हैं, है ना? शायद नहीं, ये आइडिया भी काम नहीं आएगा। आओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। रुको, ये मेरे हाथ पर क्या है? क्या ये पेंट है? अरे यार अब मेरे हाथ पर भी पूरा पिंक पेंट हो गया है। एक सेकंड रुको, शायद मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं एक हैंड प्रिंट से शुरुआत करूँ तो? वो कितना कूल है। और इससे मुझे भी एक आइडिया आया। मैं पहले अपना हाथ ट्रेस करूंगी। अब इस आउटलाइन को एडजस्ट करना है। एक आंख और चोंच बनानी है। पहले इसकी चोंच पे कलर करेंगे क्योंकि ये ब्लैक है। और अब बाकी की जगह पर पिंक करेंगे, बहुत सारा पिंक। इसे इस तरह से कलर करते जाएंगे। ये तो काफी ज्यादा हो गया, पर पूरा होने ही वाला है। यहाँ पर तो पिंक हाइलाइटर है, मुझे ये चाहिए। अब मैं अपने हैंड प्रिंट को एक ट्रॉपिकल बर्ड में बदल दूंगा। मैं अपने थंब को बर्ड का सर बनाऊंगा। अब इसकी काली चोंच और अब आंखें और लाते इसकी स्किनी येलो लेग्स। मेरा काम हो गया। तो क्लास देखते हैं तुम्हारा फ्लेमिंगो का प्रोजेक्ट कैसा रहा। ये नहीं मेरे फ्लेमिंगो की पिक्चर, ये रहा मेरा मैम, जैसा आपने कहा था। तुमने पूरी बॉडी की ड्राइंग बनाई और इतना अच्छा सर भी, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। ओह हाँ तुम्हारे पूरे हाथ पर पेंट लगा है। ओह हाँ इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें क्या मिलेगा? तुम दोनों तैयार हो? इस बार तुम्हें एक लड़का बनाना है। देखते हैं तुम इसका क्या बना कर लाते हो। मुझे देखकर बिल्कुल पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। हाँ नहीं, स्नैक्स खत्म हो गए, गुस्सा तो इसे देखकर आना चाहिए था। खैर अब मैं क्या करूँ? एक सेकंड रुको, यहाँ एक खाली प्लेट है। हाँ ये जरूर काम करेगा, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। तुम उस प्लेट और मार्कर के साथ वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। तुम प्लेट पर ये बनाना चाहते हो? इसकी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे बस वो लड़का इस प्लेट पर बनाना है। यार मैं उसे कैसे बनाऊँ?
मैं दोबारा वर्ड से ट्राई करती हूँ। वो मेरे लिए सही था। चलो बनाते हैं बॉय। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैंने इसे ग्लासेस पहना दिए और अब इसके बाल अच्छा लग रहा है। अब कान भी बनाएंगे और इसके चिन, नाक और मुंह। हाँ, मेरा स्टिकमैन बन गया। उसे एक बलून भी चाहिए। लो, और उसके साथ एक स्प्रिंग ताकि बलून उड़ ना जाए। मेरे दांत में कुछ है, ये तंग कर रहा है। ठीक नहीं हुआ, कुछ पी कर देखता हूँ। अब थोड़ा बेहतर है। तुम्हारे बाल ऑरेंज होने चाहिए। बस थोड़ा सा और तुम्हारे बाल पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, तुम्हें ग्रीन शर्ट चाहिए। बिल्कुल, हो गया। नहीं, तुमने उसके ऊपर पानी गिरा दिया। अब वो डूब रहा है। मुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। नहीं नहीं नहीं, स्टिकमैन घबराओ मत। रुको, कुछ हो रहा है। मेरे स्टिकमैन को कुछ हो रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, ये डूब नहीं सकता क्योंकि ये तैरता है। ये कितना कूल है, मुझे पसंद आया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये वाला जीत गया। अरे वाह, शानदार। ठीक है, चलो ये व्हील दोबारा घुमाए। हाँ, तुमने ये देखा, इस बार तुम्हें डॉग मिला है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ये मेरी हैट में है। क्या, एक रबर चिकन? ये कहाँ से आया? वो यही कहीं था। रुको, क्या मुझे ये चाहिए? ना, मैं इससे अब और नहीं खेलता। चलो भी, इतनी बड़ी हैट भी नहीं है। क्या ये क्वार्टर है? तुम ये ढूंढ रहे थे? ओह, तो ये तो मेरे लिए भी है। जरा ये मुझे ही दे दो। फिर किसे पता था मेरी हैट में इतनी चीजें हो सकती हैं? ठीक है, मुझे ये पेन चाहिए। मैं समझी नहीं, तुम उस कॉइन से क्या कर रहे हो? मैं इसे ट्रेसिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे और सर्कल्स भी चाहिए। मैं समझी नहीं। रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। तुम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हो ना? हाँ, मुझे अपनी हुडी अपने सर पर डालनी होगी। मैं अभी आती हूँ। हे, अगर मैं तुम्हें ये दूँ तो तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपना डॉग दे दोगी? शुक्रिया। हे भगवान, सबसे प्यारा बच्चा कौन है? मेरा नाम पैट्रिक है। मुस्कुराओ, मुझे बस तुम्हारी कुछ फोटोज चाहिए। तुम बहुत प्यारे हो, तुम मॉडल बन सकते हो। ये ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा ओवल कलर हो गया, एक छोटा सा सर्कल छोड़कर। अब छोटी छोटी लाइंस और डॉट्स बनाएंगे। अब उसका सर बनाएंगे और इसकी आंखें भी। अब पता चल रहा है कि क्या बन रहा है। उसके कान कैसे भूल सकते हैं, और बॉडी भी। और आखिरकार उसकी पूंछ। हम अब इसको कलर करेंगे। इसके कानों को ब्राउन कलर का होना चाहिए और उसके पैर और चीक्स भी। हो गया। फिर मैं आ ही गई और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं गई हुई थी। बस इसे अब पूरा करना है। टीचर, मैंने कर लिया। ये रही मेरे डॉग की पिक्चर। मेरा भी हो गया। हे भगवान, देखो ये कितना प्यारा चेहरा है। तुम जीत गई। उसने तो ड्रॉ भी नहीं किया। हम अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं। ओह, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तुम्हें बैलरीना मिल गई। रुको, क्या, हम ये कैसे बना सकते हैं? मेरी तरफ मत देखो, मैंने कभी बैले देखा भी नहीं है। रुको, मैं जानता हूँ। पहले ये पेपर लेना है और फिर इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। तुम ये क्या कर रहे हो? ओरिगामी, वो तो काफी सही से आनी चाहिए। तुम्हें बस पेपर को ढंग से फोल्ड करना है। पहले मैंने इसे बीच से फोल्ड करना शुरू किया और फिर दूसरी तरफ से। अब इसे खोलेंगे और दोनों कोनों को फोल्ड करेंगे। बढ़िया, अब ये नीचे वाले फ्लैप दोनों तरफ आएंगे। हाँ, देखो कितना बढ़िया बन रहा है। मुझे पेपर फोल्ड करना बहुत पसंद है। ये जो कोने निकल रहे हैं, ये भी पीछे जाएंगे। ये वाले कोने भी बस बनने ही वाला है। इन दोनों साइड को फोल्ड करेंगे। लो, मैंने कर दिखाया। मैंने अपने पेपर के पीस से एक छोटी सी बोट बना दी। तुम्हें कैसी लगी? पसंद आई? लो, परफेक्ट। देखो, कुछ पेपर्स नहीं, मेरे लिए एक तैरती हुई बोट बना दी। पर ये डांस कैसे करेगी? ओह, क्योंकि ये बोट तैरती हुई लहरों के साथ नाचती है। रुको, क्या, तो तुम ये करने वाले हो? ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। वो ठीक कह रही है, ये बैलेरिना के बच्चे है, बोट की नहीं। हाँ ठीक है, पर मैं पक्का ओरिगामी के साथ कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम एक और बोट बना रहे हो? क्योंकि ये काम कर ही नहीं रही। नहीं, ये एक और बोट नहीं है। देखो, मैंने इस बार यूनिकॉर्न बनाया। वो देखो, हमें यूनिकॉर्न मिला। हम कमाल है। इसका भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं समझ गया। तीसरी बार कोशिश करते हैं। इस बार मैं दो कलर के पेपर लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? वाह, काफी मुश्किल है। तुम ये कैसे कर रहे हो? और वो भी इतनी जल्दी, साथ साथ करना मुश्किल है। हाँ, ये हो गया। मैंने एक खूबसूरत रोज बना दिया तुम्हारे लिए। बहुत प्यारा है। विश्वास नहीं होता, ये तुमने मेरे लिए बनाया। पर अब मैं क्या करूँगी?
समझ गई, मुझे इसे फोल्ड करने से शुरुआत करनी है। मैं अच्छे से फोल्ड करने के लिए रूलर का कोना इस्तेमाल करूंगी। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, पर हमें कुछ ऐसा करना है। और दूसरी तरफ से भी। हाँ, अब इस पर थोड़ी आर्ट हो जाए और मैं इस पेपर पर एक प्यारी सी बैलेरिना बनाऊंगी। ये कितनी प्यारी है, पर मुझे बाकी पार्ट्स भी बनाने हैं। बस ध्यान रहे इस तरफ उसका चेहरा और हाथ दोनों होने चाहिए, और दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करें। जब ये हो जाए तो मुझे उसकी लातों के साथ भी ऐसा ही करना है। मैं इसे और सुंदर बनाने के लिए इस पे कलर करूंगी, पर दोनों फ्लैप्स पर करना जरूरी है। और इसका आउटफिट ब्लू टूटू से पूरा हो जाएगा। कितना प्यारा है, थोड़ा सा ब्लू यहाँ और थोड़ा सा यहाँ। हाँ, ये पूरा हुआ। टडा! लो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये कैसे काम करेगा। अगर मैं फ्लैप्स को ऊपर नीचे फोल्ड करूंगी तो लगेगा कि ये डांस कर रही है। देखो कैसे कर रही है, कितनी खूबसूरत है। वो वाह, तुमने कमाल का काम किया, तुम जीत गए। हाँ, मैं जानती थी मैं जीतूंगी। पर क्या आप कभी कोई ड्राइंग चैलेंज जीते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।